स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सेक्शन 3 का वो पैकेज देखने वाले हैं जिस पैकेज पे कुछ भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ अलाइनमेंट की जगह ही कंफर्म हुई है कि यहाँ होके ये अलाइनमेंट निकलने वाला है, बाकी काम वहाँ पे कुछ भी नहीं स्टार्ट हुआ है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसी तरह का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो सामने आप देख पा रहे होंगे ये वो जगह है जहां से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निकलने वाला है, और ये पैकेज 8 का हम अपडेट देख रहे हैं जो कि खरेल इंटरचेंज से और कनेक्ट करता है वलसाड इंटरचेंज को। और फ्रेंड्स इस पैकेज 8 में जो कंपनी काम कर रही है रोडवेज सोल्यूशन, 821 करोड़ रुपये से ये पूरा पैकेज बनाया जा रहा है, पैकेज 8 जिसका हम अभी अपडेट देख रहे हैं। तो देखेंगे इस पैकेज में हमको कितना कुछ काम देखने को मिलता है, और आज की वीडियो में हम लोग 10 से 15 किलोमीटर तक का फुल डिस्टेंस कवर करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, यानी खरेल इंटरचेंज तक का हम लोग अपडेट देखने वाले हैं। तो सामने की साइड में आप देखेंगे हमको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ होके ये अलाइनमेंट निकलने वाला है। और काम की अगर मैं बात करूँ तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पैकेज 8 का जो काम है कितना स्लो किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ भी काम हमें नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ अलाइनमेंट की जगह कन्फर्म की गई है कि यहाँ होके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निकाला जाएगा, बाकी काम की अगर मैं बात करूँ तो काम यहाँ पर कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बने रहना वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज के अपडेट में हम कुछ नया देख रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो बना के दिखाई थी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, जिसमें मैंने आपको पैकेज 5 का अपडेट दिखाया था, उसके बाद मैंने आपको पैकेज 6 का भी अपडेट दिखाया था। पैकेज 5 का जो काम है वो भी काफ़ी स्पीड से किया जा रहा है, लगभग अर्थ वर्किंग का काम वहाँ पर कम्प्लीट कर लिया गया है और कहीं कहीं पर PQC का काम भी कम्प्लीट कर लिया गया है। उसके बाद हमने देखा था पैकेज 6 का अपडेट जिसका काम लगभग कम्प्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम लोग देख रहे हैं पैकेज 8 का अपडेट। पैकेज 8 का अपडेट आपको देख के अंदाज़ा लग गया होगा कि इस पैकेज का जो काम है वो कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ अलाइनमेंट की जगह ही कंफर्म की गई है कि यहाँ होके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निकाला जाएगा। अभी जो आप ये कंपनी देख रहे हैं ये वारी सोलर एनर्जी कंपनी है जो कि सोलर पैनल बनाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अलाइनमेंट की जगह को थोड़ा क्लियर कर लिया गया है कि यहाँ के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट निकलने वाला है। आगे की साइड में आप देखेंगे तो आपको कुछ भी काम नज़र नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम लोग थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि काम की अगर मैं बात करूँ तो इस पैकेज का 0% काम यहाँ पर कम्प्लीट हुआ है, यानी कुछ भी काम यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि 1350 किलोमीटर लंबा, ये इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो कि ये स्टार्ट होता है DND फरीदाबाद से और ये कनेक्ट करेगा नवी मुंबई के JNPT को। 1,00,000 करोड़ की लागत से 1350 किलोमीटर का रूट कंप्लीट किया जा रहा है, जिसकी फाइनल जो डेडलाइन दी गई थी दिसंबर 2024 की दी गई थी, और काम को देखते हुए अभी उसको 2 साल और बढ़ा दिया है, यानी फाइनल डेडलाइन 2026 की दी हुई है। 2026 में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन काम को देखते हुए लग नहीं रहा है कि इसका काम 2026 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि किसी किसी पैकेज में इसी तरह का काम किया जा रहा है, जिस तरह का अभी हम पैकेज 8 का जो काम देख रहे हैं। पैकेज 9 में भी दोस्तों इसी तरह का काम किया जा रहा है, उसके बाद पैकेज 10 में थोड़ा बहुत काम हमको देखने को मिलेगा। ये दोनों पैकेज का भी मैं आपको अपडेट दूंगा, क्योंकि अपडेट से आपको पता चलेगा कि गुजरात में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कितना काम हुआ है और कितना अभी बाकी है।
फ्रेंड्स, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो कि ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे, ये 5 राज्य से होके गुजरने वाला है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। और सबसे लंबा डिस्टेंस जो है वो गुजरात में ही है दोस्तों, 426 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस है गुजरात में। और इसका वन फेस चालू भी कर दिया गया है, यानी बड़ोदरा से भरूच तक का फेस 3 को ओपन कर दिया गया है दोस्तों फरवरी 2024 में। और फ्रेंड्स, गुजरात में इसका 80% काम लगभग कंप्लीट जैसा हो चुका है, यानी भरूच तक इसका काम कंप्लीट हो चुका है। और किसी किसी पैकेज का थोड़ा बहुत काम बाकी है, जैसे कि हमने पैकेज 5 का अपडेट देखा, उसके बाद पैकेज 6 का अपडेट देखा, दोनों पैकेज में भी काम काफ़ी स्पीड से किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं खरेल इंटरचेंज के पास, जहां से स्टार्टिंग होती है पैकेज 8 की, जिसका हमने अभी अपडेट देखा। सामने की साइड में आप जो रोड देख पा रहे होंगे, ये खरेल टांकर रोड है, जो कि इस साइड में आप जाएंगे तो NH 48 को कनेक्ट कर पाएंगे दोस्तों। उसी के लिए यहाँ पर बनाया जा रहा है खरेल का इंटरचेंज, ये ट्रम्पेड इंटरचेंज है दोस्तों। और यहीं पर एंडिंग होती है पैकेज 7 की, तो खरेल के इंटरचेंज से आगे की साइड में आप देखेंगे तो आपको अच्छा खासा काम देखने को मिल जाएगा, और किसी किसी पार्ट में PQC का भी काम आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और इस पैकेज 7 का अपडेट हम आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 पैकेज का काम दिखाया था, पैकेज 5 और पैकेज 6 का, जिसका काम मैंने आपको पूरी वीडियो बना के दिखाई थी दोस्तों। और पैकेज 5 से ज़्यादा हमको पैकेज 7 में काम देखने को मिला था। तो आज की वीडियो में हमने एक लेटेस्ट अपडेट देखा, पैकेज 8 का अपडेट, जिसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो।